वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप कार्डियक अरेस्ट की क्या सिम्टम्स होती हैं, इन्हें अचानक दिल के बंद होने की सूरत में कौन सी अलामत जाहिर होती हैं, इन अलामत के अलावा इस कंडीशन से क्या मुराद है, इसके बारे में आज की वीडियो में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल रोल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, की कार्डिक अरेस्ट की सूरत में क्या अलामत जो इंसान के अंदर जाहिर होती है। कार्डिक अरेस्ट की जो अर्ली सिम्टम्स होती है, जो इब्तदाई अलामत होती है, ये अलामत ही इंसान के लिए जो है वार्निंग साइन होती हैं, वार्निंग अलामत होती हैं। इसलिए अलामतों को पहचानने के बाद दिल के बंद होने से पहले ही इलाज करवाने से जो है वो जान को बचाया जा सकता है। यानी बाकी कंडीशंस की तरह स्लो सिम्टम्स नहीं होती हैं, यानी आहिस्ता होती हैं, स्लो रहती हैं, लेकिन ये अलामत इलाज ना करवाने की सूरत में बढ़ती है। लेकिन कार्डिक अरेस्ट की बात की जाए तो ये एक तरह से एक डेंजरस सिचुएशन है। इसके जो अर्ली सिम्टम्स ये होती हैं वो आपके लास्ट स्टेजेस एक तरह से कह सकते हैं, वार्निंग सिम्टम्स होती हैं, वार्निंग स्टेजेस होती हैं। तो इससे पहले से इसके बारे में अवेयर होना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अलामत पता होने की सूरत में भी जान को जो है वो बचाया जा सकता है, क्योंकि अचानक दिल की धड़कन बंद होने से इंसान की मौत जो है वो वाकई हो जाती है। कार्डिक अरेस्ट की अलामत ये होंगी, चक्कर आना, सांस का कम आना, थकावट होना या कमजोरी महसूस होना, उल्टी आना, हार्ट पल्पिटेशन होना, यानी दिल की धड़कन में बेतरतीबी होना, दिल की धड़कन का तेज होना या कम होना। नेक्स्ट ये है ऐसी अलामत जिनकी सूरत में आपको फौरी इमरजेंसी मदद की जरूरत होती है, वो ये है सीने में दर्द होना, नो पल्स यानी नब्ज महसूस ना होना, सांस ना आना या सांस लेने में मुश्किल पेश आना, बेहोशी होना, अचानक नीचे गिर जाना। इसके अलावा कार्डिक अरेस्ट से पहले जब वो कोई अलामत चाहे वो जाहिर नहीं होती है। यानी कुछ अर्ली सिम्टम्स भी होती हैं, कुछ कंडीशंस में, कुछ बीमारियों में अर्ली सिम्टम्स होती हैं, लेकिन कार्डिक अरेस्ट की कोई अर्ली सिम्टम्स नहीं होती हैं, कोई अलामत जो है वो पहले से जाहिर नहीं होती हैं, यानी अचानक से होती हैं, क्योंकि इस कंडीशन में सडन वर्ड भी जो है वो इस्तेमाल किया गया, यानी सडन कार्डिक अरेस्ट यानी अचानक। ये कंडीशन जो है इंसान को अचानक से पैदा होती है, लेकिन इसके पीछे जो कंडीशंस होती हैं वो जारी बात है काफी अर्से से मौजूद होती हैं, जो कि कुछ अफराद ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं लेकिन कुछ अफराद ट्रीटमेंट्स नहीं लेते हैं। लेकिन कार्डिक अरेस्ट से पहले जो इसकी वजूहत होती हैं वो लाजमी इंसान के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं, और यही कार्डिक अरेस्ट की वजह बनती है और ये अचानक से बनती हैं। कार्डिक अरेस्ट से पहले कोई अलामत जाहिर नहीं होती है, लेकिन जो अलामत होती हैं जो कि अभी आपके साथ पहले शेयर की गई हैं, अगर ये अलामत होती हैं और ये कार्डिक अरेस्ट के वक्त ही जो है वो जाहिर होती हैं, ये जब कार्डिक अरेस्ट हो रहा होता है ये अलामत उस वक्त जो है वो जाहिर होती है। अगर ये अलामत मुसलसल जो इंसान के अंदर रहती है तो आपको फौरी मेडिकल हेल्प जो है वो लेनी चाहिए, यानी फौरन चेकअप करवाना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्डिक अरेस्ट कंडीशन से क्या मुराद है। कार्डिक अरेस्ट दिल के अमराज की एक ऐसी सीरियस कंडीशन है। इसमें लफ्ज जो अरेस्ट है इसका मतलब है बंद हो जाना या रुक जाना। इस कंडीशन का दूसरा नाम जो है वो सडन कार्डिक डेथ है, यानी इस कंडीशन को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कार्डिक अरेस्ट का दूसरा नाम जो है वो सडन कार्डिक डेथ है, यानी अचानक से मौत वाक्य हो जाना। कार्डिक अरेस्ट दिल की धड़कन का बंद होना और सडन कार्डिक अरेस्ट अचानक से मौत वाक्य हो जाना, इसी कंडीशन के ये दो नाम है। इंसान के दिल की धड़कन को जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है ये कंट्रोल करती है। जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स के पैटर्न में जो वो तब्दीली आती है, इनमें कुछ चेंजेस होती है, तब इंसान के दिल की धड़कन जो है वो बेतरतीब हो जाती है। और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो कंडीशन है इसका दूसरा नाम जो है वो अरिथमिया है। अरिथमिया की वजह से दिल की धड़कन जो है वो कभी आहिस्ता हो जाती है, कभी तेज हो जाती है। और कार्डिक अरेस्ट उस वक्त होता है जब इंसान के दिल की जो रिदम होती है, जो धड़कन होती है, वो रुक जाए। कार्डिक अरेस्ट जो एक बहुत सीरियस कंडीशन है। कार्डिक अरेस्ट की वजह से इंसान की जान भी जा सकती है या फिर इसकी वजह से इंसान मजबूर भी हो सकता है, डिसेबल हो सकता है। अगर आपको खुद में या अपने किसी करीब के इंसान में कार्डिक अरेस्ट की कोई अलामत नजर आती है तो आपको फौरी इमरजेंसी मेडिकल हेल्प जो है वो लेनी चाहिए, मदद जो है वो जरूर लें, अपना चेकअप जो है वो लाजमी करवाएं, क्योंकि कार्डिक अरेस्ट इंसान के लिए मोहलिक हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन फौरी इलाज की सूरत में जान को जो है वो बचाया जा सकता है। और ऐसा उस वक्त ही मुमकिन हो पाता है जब इंसान जब अवेयर हो, यानी कार्डिक अरेस्ट के जो अलामत होते हैं, जो सिम्टम्स होती हैं, उनके बारे में अवेयर हो, तभी इंसान जो है वो इस कंडीशन से बचने के लिए जो है वो कुछ मेडिकल हेल्प ले पाएंगे। लेकिन अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो ये सडन डेथ अचानक मौत की वजह ये चीज बन जाती है। और दूसरे इंसान कार्डिक अरेस्ट की सूरत में दुनिया से जाने वाले इंसान के लिए अपनी आने वाली जिंदगी में उस इंसान को याद करते रहते हैं और आंसू बहाते रहते हैं, जो कि एक सैड रियलिटी है, बिटर रियलिटी है। और आई थिंक डेथ से कोई भी इंसान नहीं बच पाएगा, हमें से हर इंसान की यही सिचुएशन होगी, हम सबका एंड यही होगा, क्योंकि इंसान फानी है, ये दुनिया फानी है। सो इसलिए जिंदगी के जितने भी लम्हात आपके पास मौजूद हो उनको
अच्छे से जियो और जीने दो वाली पॉलिसी जो इख्तियार कर लीजिए, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता कि जिंदगी के कितने लम्हात या कितने दिन इंसान के पास बाकी हैं। आई होप ये लास्ट पर शेयर किए गए फैक्ट आपको बुरे ना लगे हो, टाइम वेस्ट ना लगे हो। अग्री करते हो तब भी लिखिएगा, डिसएग्री करते हो तब भी लिखिएगा। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर आज भी कीजिएगा। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर आदमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।